You critics are killers. अब एक तरफ जहां अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर 2 का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर 23 सितंबर को उनकी फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में सनी देओल के साथ साउथ सुपरस्टार दलकीर सलमान की यह मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को 23 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का फ्री व्यू मुंबई में दर्शकों के लिए किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर चुप को लेकर काफी बज भी है और लोग इसे रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर करार दे चुके हैं। लेकिन इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये वीडियो सनी देओल के दोनों बेटों का है। साथ ही इस वीडियो को देखकर लोग इमोशनल भी हो रहे हैं। वह यूं कि सनी देओल अपने दोनों बेटों करण देओल और राजवीर देओल को लेकर चुप की स्क्रीनिंग के लिए गए थे। फिल्म देखकर बाहर निकलने के बाद राजवीर को पापा सनी देओल का काम फिल्मों में इतना ज्यादा पसंद आया कि वो खुशी के मारे रोने ही लगे और बेटे को रोता देख सनी देओल ने राजवीर को गले लगा लिया। फैंस इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं, तो किसी ने पूछा कि फिल्म इतनी बुरी है क्या जो बेटा देखकर रोने लगा। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सनी देओल की फिल्म चुप को धांसू एडवांस बुकिंग मिली है, जिसे देखते हुए इस बात से बिल्कुल भी गुरेज नहीं किया जा सकता है कि फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन भी जबरदस्त साबित रहेगा। वैसे देखा जाए फिल्म के रिलीज से पहले जब ट्रेलर रिलीज किया गया था तो ट्रेलर के प्रति भी लोगों का जमकर क्रेज देखने को मिला। दुलकर सलमान इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, साथ ही उनकी पिछली फिल्म सीताराम के भी काफी चर्चे हैं। लोगों को फिल्म में उनका अभिनय भी काफी पसंद आ रहा है। ऐसे में अगर चुप भी अच्छी चलती है तो दुलकर भी एक पैन इंडिया स्टार बन सकते हैं।